मेरा नाम कमरान खान है, मैं दरगाह आला हजरत जमात दरगाह मुस्तफ़ा से मीडिया करवा रही हूँ। एक मामला आया था, पीड़ित परिवार एक कल दरगाह आला हजरत पर मदद मांगने आया था। मामला ये है कि एक फतेहगंज का मामला है, एक पीड़ित परिवार है जिसके दो बच्चे हैं, एक 9 साल का बच्चा है और एक कम से कम 3 या 4 साल का है, जिसकी माँ पड़ोस के ही किसी शख्स के साथ फरार हो गई है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो थाने के चक्कर लगा रहा था, जिसको मदद नहीं मिल रही थी। फिर वो दरगाह आला हजरत के संगठन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के हेड ऑफिस पर आया और उन्होंने फरमान मियां साहब से मदद मांगी। हर जुमरात को 2 घंटे के लिए वो दरबार लगता है आवाम की समस्याओं को सुनने के लिए। खुद फरमान हसन का फरमान मियां जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो सुनते हैं। जब ये कल मामला जब ये आया उनके सामने, उन्होंने फ़ौरन इस मामले में एक्शन लिया और उन्होंने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के PRO मोइन साहब को निर्देश दिए कि SP ध्यास साहब से और फतेहगंज थाना इंचार्ज साहब से बात करो और इस मामले को इन पे मतलब जो फरार हुई है इनकी पत्नी, उनको बरामद किया जाए। लेकिन इन लोगों ने फ़ोन जब मिलाया तो किसी वजह से फ़ोन नहीं उठ पाया, तो उन्होंने हमने इनके मतलब पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि पूरी तुम्हारी मदद की जाएगी और इनकी एक एप्लीकेशन हमने SSP साहब से भी लगवाई है। वो मामला है कि पीड़ित परिवार जो है वो बहुत परेशान है, उसके दो बच्चे हैं, वो खुद रिक्शा चलाता है जिससे खुद वो कमाता है। अब वो इतना परेशान है कि वो अपने बच्चों को पाले या अपनी रिक्शा चला के अपना पेट भरे, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम लोगों ने ये विचार लिया है, जो आला हजरत हुजूर ताजुल शरिया सोसाइटी है, इसके लिए फरमान हसन का फरमान मियाँ जो काजी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अज्जल रजा कादरी साहब के दामाद भी हैं, उन्होंने और इसके सोसाइटी के संस्थापक भी हैं, इन्होंने ये फैसला लिया है इस बच्चे को हम गोद लेंगे, दोनों बच्चों को, और इसकी पूरा जो भी खर्चा होगा इनकी पढ़ाई का, खाने का, रहने का, सब कुछ ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उठाएंगे इसको, और ये इनके वालिद साहब बच्चों को देती हैं, और वरना ये नहीं देती हैं, वो अपने पास ही रखती हैं। तो हमारी जो भी मदद होगी इनके इनको मतलब पीड़ित परिवार को मदद की जाएगी पूरी तरीके से, जब तक इनकी माँ को बरामद नहीं होती है, जब तक तो पूरा परिवार की इनकी मदद की जाएगी। इसी मामले को लेकर कल ये लोग हमारे पास आएंगे।